न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मोदी सरकार कर रही बदले की कार्रवाई, अध्यक्ष खड़गे। लौ जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर मायावती बोली, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास। 200 सीटों से कम नहीं जीतेगी एमवीए, आवार ने किया दावा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी सरकार कर रही बदले की कार्रवाई, तमिलनाडु के मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। मंत्री से लंबित पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। मंत्री से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के दौरान मंत्री सेथिल रोते हुए भी नजर आए हैं। अब इस मामले में मंत्री सेथिल बालाजी की कांग्रेस को साथ मिला है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। खड़गे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि मोदी सरकार नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जी हां, खड़गे ने किया गिरफ्तारी का विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देर रात हुई सेथिल बालाजी की गिरफ्तारी निंदनीय है, ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना है। मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। हमारी तरह पूरा विपक्ष ऐसा कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। जी हां, देर रात हुई गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी से कई घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री को कार में बिठाया गया तो वो फफक फफक कर रो पड़े। इस दौरान मंत्री के को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सेथिल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र कुशगम यानी द्रमुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिवारों पर मंगलवार 13 जून को छापेमारी की थी। हाईकोर्ट के बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले की पुलिस और ईडी को जांच की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद महीने बाद ये कार्रवाई की गई। अब इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है और इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। लौ जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर मायावती बोली, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की अध्यक्ष की और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिंदुवादी और हिंदू भक्त होने के लेकर आपस से लड़ाई होने और बाकी सभी धर्मों के घोर उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया। जी हां, इसके साथ ही मायावती ने इस साल के अंत में 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा प्रमुख ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी व कांग्रेस के बीच दोनों में कौन बड़ा हिंदुत्ववादी व हिंदू भक्त है तथा पूजा पाठ करने में कौन ज्यादा माहिर है, इसको लेकर जारी लड़ाई से ये जरूर स्पष्ट है कि वे दोनों पार्टियां हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की घोर अपेक्षा कर रही है। जी हां, इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध है। मायावती ने दावा किया है कि बसपा सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि देश में यहां अकेले हिंदू धर्म और मनाने वाले लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। जी हां, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़। मायावती ने यह भी कहा है कि देश में पिछले कुछ समय से लौ जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इसकी आड़ में जो अब धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा, धार्मिक द्वेष की भावना से ऐतिहासिक स्थलों को और उनके रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जाना ठीक नहीं है। जी हां, वह न्याय संगत नहीं है, इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर बुरा असर पड़ने के साथ कानून व्यवस्था की बिगड़ती है। जी हां, उन्होंने महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य में भी अब यह सब कुछ देखने को मिल रहा है और वहां हालात की इतनी खराब हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लोगों की मांग जोर पकड़ रही है। मायावती ने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से बसपा के पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान करते हुए कहा है कि जरूरत मुद्दों को
लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयार है, साथ यहां चुनाव में उतर रही है और चारों राज्यों में चुनाव अभियान भी जारी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लक्ष्य करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, उम्र में अब विशेषकारी अपराधियों का जो आपस में तांडव चल रहा है, इससे जनता में काफी दहशत व्याप्त है। सरकार को इस और जरूर ध्यान देना चाहिए। 200 सीटों से कम नहीं जीतेगी एमवीए, आवाज ने किया दावा। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक जितेंद्र आवाज ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एमवीए 200 सीटों से कम नहीं आएगी। जी हां, उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के घर जाकर देखें वे क्या कहते हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी अगर मिलकर चुनाव लड़े तो 200 सीट से अधिक सीट आएगी। मैं नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जाकर भाजपा ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है। पवन कुरे ने कहा कि एमबीए की 100-150 सीटें आएगी। आवाज ने कहा कि 150 के पहले 144 की संख्या आती है और इतनी सीटें जिसे मिलती वो महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अगर कांग्रेस को सर्वे में 21 सीटें मिली तो राका 40 से ऊपर सीट पर आएगी। यह महाविकास आघाड़ी का सर्वे है। जी सभी मतदान क्षेत्र की समीक्षा अभी शुरू है और जो वातावरण में उसकी जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को प्रत्येक मतदान क्षेत्र की पॉलिटिकल सेंस की जानकारी है। जी फडणवीस का नाम मिटाने का प्रयास, राज्य भर के अखबारों के प्रमुख पृष्ठ पर राष्ट्र में मोदी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार वाला विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद के लिए सर्वे में शिंदे को कम प्रतिशत होना बताया गया है। इस संदर्भ में आवाज ने कहा है कि आज उन्हें पता चला होगा कि इस व्यक्ति यानी शिंदे की राक्षसी महत्वाकांक्षा है। महाराष्ट्र के नक्शे से देवेंद्र फडणवीस का नाम मिटाने का प्रयत्न हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब कंधे पर पाव रखना और सिर चढ़ना, ये मानव का स्वभाव और चरित्र का हिस्सा है। जी हाँ, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब बताया गया कि बरकरार गई संविधान के खिलाफ जाकर जब आप सत्ता में बैठते हैं तब आप पर दाग होता है। जी हाँ, नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, आवार ने दावा किया है कि राज्य में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि 57 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है अध्यक्ष को उस पर निर्णय देना होगा। भिड़े गुरुजी पर उन्होंने कहा कि जिसने संत ज्ञानेश्वर को कम आंका और जिसने मनु को अपना बाप माना था उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुकाराम की पालकी के साथ इतनी अधियोग्यति महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू, देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।